नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है ये दिल मांगे मोर एंड इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी सीडीएस एंड एफकैट एग्जामिनेशन। सो आई होप योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स आर गोइंग वेल। सो दिस साइड माई नेम इज अभिषेक पांडे एंड आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड करेंट अफेयर्स। सो टूडे आई ब्रिंग अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ डिस्कस किए थे, और अगर आप चाहते हैं मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स के और वीडियोज आपके लिए प्रिपेयर करूं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स जो मेरा पिछला वीडियो उसमें। और आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश करी है कि उसी फॉर्म में पेपर में यहां पर भी आपको मैं सारी की सारी चीजें बता सकूं। यहां पर मैं एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि एक क्वेश्चन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और आप पेपर भी जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे सीडीएस का या प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग करना है इसमें हमें, और आपको इस तरफ एक साइड में बायोस्फीयर के नेम दिए हैं और एक साइड में स्टेट दिए हैं। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि ये बायोस्फीयर किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट दिया हुआ है वो नीलगिरी है, और जो नीलगिरी है वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। और सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानस, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। मानस जो है वो हमारा असम में है, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पे सर्वानंद सोनोवाल की बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। तो मानस है और एक असम में एक और है काजीरंगा, जो कि वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद है पचमढ़ी, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार है। और उसके बाद सिमलीपल, सिमलीपल जो है वो है हमारा उड़ीसा में, जहां पर राजधानी जिसकी भुवनेश्वर है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये सारे के सारे बायोस्फीयर किस जगह पर लोकेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें अब आपको प्लेस का नाम दिया हुआ है और इंडस्ट्री दी हुई है कि वो प्लेस कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, आपको ये मैच करना है। तो सबसे पहले है आनंद, आनंद जो कि एक डेयरी है जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में एक जगह का नाम भी है आनंद। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी और वो बुलेट ट्रेन आनंद से भी होकर जाएगी, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया को गुजरात और महाराष्ट्र की वो कवर करेगी। तो जो आनंद है ये डेयरी के लिए फेमस है। उसके बाद है तिरुनवेली, तिरुनवेली जो है वो कॉटन के लिए फेमस है। और जो रामागुंडम है, रामागुंडम जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए फेमस है। और जो वाराणसी है वो लोकोमोटिव्स के लिए फेमस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता रखनी है, पेपर में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए मैथ द कॉलम में ऐसा होता है कि अगर आपसे दो भी बन गए तो आपके चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन अब आपसे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनमें से दो आ गए कोई से और दो अलग भी आ गए तो भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ मैथ द फॉलोइंग है, ये भी यहाँ पे फॉरेस्ट दिया हुआ है, किस टाइप के फॉरेस्ट और उनकी लोकेशन बताई गई आपको मैच करना है। सबसे पहले बेटला, और बेटला जो है वो हमारा बिहार में है, बिहार में नीतीश यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। ठीक है, जिन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में। उसके बाद है गोरुनमारा, गोरुनमारा जो है वो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ की राजधानी कोलकाता है। और उसके बाद मुदुरमलाई, मुदुरमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, और इसमें मिनरल्स के बारे में बात करनी है कि कौन सा स्टेट किस मिनरल्स में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन सा ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होता है, किसकी ज्यादा पाए जाते हैं जो मिनरल्स, उसके बारे में यहाँ पूछा गया था। सबसे पहले मैंगनीज के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंगनीज है वो एमपी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और जो निकिल है वो ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेड और जिंक जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार है। ठीक है, फिर उसके बाद एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश की जो न्यूली कैपिटल है उसका नाम है अमरावती और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। ठीक है, तो ये सारे मैच द फॉलोइंग के हेल्प से मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ लोकेशंस रेलवे के बारे में। अगर आप रेलवे से रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे जो लगता है वो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीडीएस, दिस इज वीडियो इज स्पेशली फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, बट ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रेलवे स्टॉफ कॉलेज, रेलवे स्टॉफ कॉलेज जो है वो है वडोदरा गुजरात में। फिर व्हील एंड एक्सेल प्लांट, ठीक है, व्हील और एक्सेल जो होती है रेलवे की
वो कहाँ पे बनाई जाती है? बनाई जाती है बेंगलुरु में। और रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो है कपूरथला में। आपने ट्रेन वगैरह में लिखा हुआ देखा होगा रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, ठीक है, तो ये कपूरथला में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होता है जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है हमारा, फिर ये ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो लाइन खींचती होती है सर्कल के फॉर्म में, उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो बीच वाली जो लैटिट्यूड है वो होती है 0 डिग्री पे, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर 90 लाइन्स होती है, नीचे 90 लाइन्स होती है पर 1 डिग्री पे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होगा? 181। पेपर में पूछा जाता है, बच्चे 180 मार्क्स करते हैं जबकि इक्वेटर को वो काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर को भी काउंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 181। तो यहाँ पे बोला है अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है कि जो डिफरेंट इन एल्टीट्यूड्स, ठीक है, दिस इज ए एल्टीट्यूड्स की वजह से, उनका जो एल्टीट्यूड है मतलब जो मीन सी लेवल से हाइट है वो कितनी है, अलग अलग है। इस वजह से क्या होता है, वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। जो ज्यादा हाइट पर होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। जो कम हाइट पे होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आप साउथ इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इक्वेटर के बहुत नीचे है वो, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है वहां पे थोड़ा सा गर्मी होती है। नेक्स्ट है, आप कुछ रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग सीजन में विंटर और समर में रेन्स होती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, किस डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं, किस विंड की वजह से होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो विंटर रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो स्टार्ट होता है वो मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होता है और वो इंडिया में रीच करके यहाँ पर विंटर सीजन में बारिश करवाता है। नेक्स्ट है, समर रेन इन बंगाल बेसिन, बंगाल की तरफ कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्टर्न लाई होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न लाई की वजह से यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट है, विंटर रेन इन तमिलनाडु कोस्ट, जो तमिलनाडु कोस्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एफकेट में भी आ चुका है। जो विंटर रेन होता है तमिलनाडु कोस्ट में वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, नॉर्थ वेस्ट मानसून से नहीं होता है, याद रखिएगा, पेपर में नॉर्थ ईस्ट मानसून बच्चे मार्क करते हैं, तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो तीनों पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलो ट्रोपोलॉजिकल ट्रोपोग्राफिकल फीचर फाउंड फ्रॉम अपर टू लोअर कोर्स ऑफ रिवर। जब ऊपर स्टार्टिंग से वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट होती है रिवर और अपने माउथ तक जाती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फीचर्स बनाते हैं, उन फीचर्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले बनता है रैपिड्स, ठीक है, जो रैपिड्स होती है जब वो वहां से हाइट से नीचे गिरती है तब वहां पे वो रैपिड्स फॉर्म करती है, फिर एस्चुरी फॉर्म करती है, उसके बाद ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से वाटर ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है, ये वाला रास्ता ब्लॉक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये रास्ता ओपन हो जाएगा तो रिवर डायरेक्टली यहाँ से जाने लग जाएगी और यहाँ का जो वाटर रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे बचा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लीक फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिक्वेंस में लिखा हुआ है ये सारी वैल्यूज, आपको जो फीचर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, फॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो फॉल्स है और वो किस रिवर के किनारे है, किस रिवर पर है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला है जॉग, जॉग फॉल जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट है वो है जॉग, जो है वो है जॉग फॉल है, दूसरा है भेड़ाघाट और तीसरा है शिव समुद्रम और चौथा है हुंडरू, ठीक है। तो ये चारों के बारे में बात करते हैं। तो जो जॉग फॉल है वो है हमारा श्रावती रिवर के ऊपर, ठीक है, जो कर्नाटका में है, और जो भेड़ाघाट है वो है हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर, और उसके बाद जो शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम जो है हमारा वो है स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर, और जो हिंडू है वो किसमें है, वो है कावेरी रिवर के ऊपर। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और उनकी लोकेशन के बारे में यहाँ पूछा है, इनको मैच करना है। तो जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, वो है गुजरात में, और दुलहस्ती जो है वो है जम्मू कश्मीर में, और जो कदम है वो है आंध्र प्रदेश में, और जो गेरुसप्पा है वो कर्नाटका में है, ठीक है। तो गेरुसप्पा, कभी कभी जॉग फॉल को गेरुसप्पा फॉल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्क वे लाइज बिटवीन, द पार्क लीज वे है जो वो कहाँ पे लाई करती है। तो देखिए, जो इंडिया और श्रीलंका है वो गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट होते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो रीजन लाई करता है उसे हम बोलते हैं द पार्क बे, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क बे को सेपरेट करता है, ठीक है, इनके बीच में लाई करता है। नेक्स्ट है, विच रॉक सिस्टम इज इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, किस रॉक सिस्टम को इंडिया में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है क्यूडप्पा सिस्टम, ठीक है। क्यूडप्पा सिस्टम में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
Which feature separates Shivalik from Middle Himalaya Range? This is very important question. कि जो शिवालिक रेंज है और जो मिडिल हिमालय रेंज है उनको किस फीचर से सेपरेट किया जाता है, उसका नाम है ल्यूकोस्ट्रिन बेसिन. ठीक है, ल्यूकोस्ट्रिन बेसिन से ये सेपरेट होती हैं. तो इस ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कुछ रिवर दी हुई है उनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, बेसिकली उनकी लोकेशन स्टेट के बारे में पूछा गया है. तो रिवर जो है वो इंडस है. इंडस रिवर कहां से निकलती है, वो तिब्बत से निकलती है. और जो गंगा रिवर है वो कहां से निकलती है, वो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है. जो गोदावरी है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है. और जो नर्मदा है वो कहां से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है. ठीक है, तो ये रिवर्स का लोकेशन पूछा जाता है. पेपर्स में कभी कभी मैप पे भी ये सारी चीजें आपको शो करने के लिए बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिटवीन विच माउंटेन रेंज डज लेह लाइज. ठीक है, लेह जो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, तो वो किस माउंटेन रेंज के बीच में आता है, वो आता है शिवालिक और पीर पंजल, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एमएनडीवी एंड कैनोर आइलैंड, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय मिनीकॉय. मिनीकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का एक समूह है, लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है उसका एक समूह है मिनीकॉय. तो इसमें पूछा है एमएनडीवी एंड कैनोर आइलैंड आर सेपरेटेड बाय मिनीकॉय आइलैंड टू डंकन पासेज. ठीक है, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री से सेपरेट नहीं होता, वो होता है डंकन पासेज से, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है, इंडिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ साइड. ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट. ठीक है, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, लॉन्गेस्ट हाईवे जो इंडिया का वो है नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक होकर जाता है. और आपसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, तो वो 47 नेशनल हाईवे 47A है, जो कि कोच्चि से वेलिंगटन तक जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू टेक अ सोलो फ्लाइट, पहले इंडियन पर्सन कौन थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट ली थी, उनका नाम था जमशेद रतन जी टाटा, जिन्होंने 1931 में मुंबई से लेकर कराची तक की फ्लाइट ली थी सोलो फ्लाइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुंगभद्रा डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर. जो तुंगभद्रा डैम है जो कि कर्नाटका में स्थित है, वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है तुंगभद्रा, एक रिवर है जो कर्नाटका में बहती है, उसके ऊपर तुंगभद्रा रिवर डैम बनाया गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माई वीडियोज. ठीक है, अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी की सीरीज में कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सीरीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप वो चाहते हैं कि कवर हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. मैं प्रायोरिटी वाइज उन सभी पे वीडियोस बना लूंगा, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ. तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो. थैंक यू.